एंड यू मिस्टर जैन, ये जो आप ओलंपिक्स में आए हुए हैं ना, नस नस के जिम जा रहे हैं, यहाँ की जगह आपके स्टैंडर्ड के मुताबिक की नहीं है, इसलिए जितना यहाँ के लोगों को अवॉइड करें ना उतना बेहतर है। गॉट इट? गॉट इट, गॉट इट। खत्म कर, पीजा। एक्चुअली आंटी मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं एक भी सिप लूंगा ना मुझे उल्टी आ जाएगी, आप प्लीज इसको ले जाए। चलो खैर, बबली ओए इधर आ, आ टू फट लाए दे गोटे थे इसके ते होर अपने ला। चलो भाई पजामा ऊपर करो, इधर बैठ। तो मुझे एक बात बता, हीर जो है इतना ये नाक चढ़ा के क्यों रहती है? यू मीन चिड़चिड़ी? That's the word, चिड़चिड़ी। Why is she so damn चिड़चिड़ी? यार मैं तुझे बताऊंगा, पर तू किसी को बताएगा तो नहीं? पक्का नहीं बताऊंगा। चल खाने दे ला। चीख तो नहीं मारेगा? नहीं यार, बता। यार एक्चुअली ना उसका रिसेंटली हार्ट ब्रेक हुआ है। एक लड़का था भिक्खा सा हमजा, उसके घर वाले आए रिश्ता लेने, रिश्ता जोड़ने की बजाय टूट गया। ओहो हो, पर ऐसे ही फिर हीर भी टूट गई। आई सी, इसका मतलब है कि जैन की बड़े अच्छे टाइम पे एंट्री हुई है। वो कैसे? अब तो देख आगे आगे होता है क्या, जैन सब फिक्स कर देगा। पहले अपना गोड़ा फिक्स करो, और क्रीम भी खुद ही लगाओ, मैं नहीं लगा रहा। अरे गेम खेलने दे यार। Nonsense, मतलब मैं मेरिया सारियां सेंसा दिया मत्ता मार के मैनू नॉनसेंस कह रहे हो हमजा जी? और वाह, कोई रंज कोई मलाल ही नहीं है, ये थम्स अप निकाल के दंदियां निकाली हुई है। हाय जा रहे हैं मेरी जिंदगी के डार्क क्लाउड्स में उड़ान भर के, मुझे छट के जा रहे हो हमजा जी? कोई बात नहीं, मैं फिर भी आपको कोई बद्दुआ नहीं दूंगी, नहीं आपका उड़ता हुआ जहाज कभी क्रैश ना हो। तो क्या हुआ अगर आपने हमें जीते जी हमारी लाइफ में कड़ी मुड़ी एयर टर्बुलेंस दी तो क्या हुआ? किसी बड़ी दिलचली हस्ती ने कहा है, जा तुझे माफ किया दिल को तोड़ने वाले, अल्लाह हाफिज। हाँ भाई कल के इवेंट की तैयारी है, एंजल से फेस ऑफ है तेरा। फेस ऑफ की भी देखी जाएगी, इस वक्त तेरी बहन को ना बड़े स्ट्रांगली इमोशंस आ रहे हैं, फौरी तौर ते कैमरा स्टैंड ते ला ते मेरी नवी वीडियो बना जिसका कैप्शन होगा गुड बाय पास्ट न्यू लाइफ न्यू महास हीरचक की नई परवास। नहीं नहीं मुझे शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग मेरी बहनें हैं, ये हमारे बच्चे हैं, आप हमारे भाई हो। मैं आप लोगों को सिर्फ ये बात बताना चाहता हूँ, ये जो गली पक्की हुई है इस पे हीरो भट्ट के या अरशद भट्ट साहब के पैसे नहीं लगे, आपके। हमने बस आप लोगों की बात हुकूमत तक पहुंचाई है, हुकूमत ने वही पैसे लगाए हैं जो आप टैक्स देते हैं, ये आपके पैसे हैं। हीरो भट्ट जिंदाबाद, हीरो भट्ट जिंदाबाद, हीरो भट्ट जिंदाबाद, हीरो भट्ट जिंदाबाद, हीरो भट्ट जिंदाबाद। हीरो भाई, हीरो भाई, सिराज के घर से बहुत आवाजें आ रही हैं और इलाके से कोई बचाने भी नहीं आ रहा। क्या हुआ? वो अपनी बेगम को आज फिर मार रहा है और इलाके से कोई बचाने भी नहीं आ रहा। अच्छा कह रहा हूँ पैसे दे दे मुझे, जल्दी पैसे दे दे, मैं जा रहा हूँ अपने दोस्तों में, जल्दी पैसे दे दे मुझे। बस कर दे ना सता,
खुदा ने तेरा बेड़ा खराब कर देना जो तू इतना जालिम बना हुआ। तू जुबान चला रही है मेरे आगे? बस कर दे। मैं कह रहा हूँ पैसे दे, जुबान तेज़ी ना कर। दो चार पैसे कमा के मेरे सर पे चढ़ गई है तू। पैसे दे दे। मैं कह रहा हूँ तू किधर आ गया है? हैं? अंदर कैसे आया तू? क्या हो रहा है? क्या क्या हो रहा है? तुझे इजाजत लेनी पड़ेगी मुझे। मैं सरबरा हूँ इस घर का, ये हमारा निजी मामला है। जो चाहूं कर सकता हूँ, सारे फैसले मेरे हाथ में हैं। सुना तूने? बात तो ठीक है तेरी। समझती नहीं है, यही मसला है इसका। करती क्या है? करना क्या है? तंग करती है, खाना बना के एहसान करती है मुझ पे। हाँ तू आया ना, ये देख देख किस तरह मासूम बनी हुई है। बच्चे पालती हूँ, बच्चे सभी पालती है यार। तो आप खुद बता, तुझे भी तो कितने पाला ही है ना। क्यों, क्या मसला है आपके साथ भाभी? क्यों तंग करती हैं आप मेरे भाई सिराज को? बोल है, बता। अब कोशिश तो बहुत करते हो कि इनको कोई तकलीफ ना, फिर भी कोई ना कोई गलती हो जाती है। लेकिन अभी तो अभी क्या पैसे? कौन से पैसे? पैसे पैसे पैसे, ये पैसे बना के इसने दिमाग खराब कर दिया, इसलिए मारा मैंने। हीरो शर्म नहीं आती तुझे? सारी सारी रात मोहल्ले वालों के कपड़े सीती है तेरे बच्चों की फीस देने के लिए, तू तू क्या करता? जो 200 इसकी तली में रख के जाता हूँ उसका तुझे नहीं पता है? मजाकी खुदा हूँ, दो थप्पड़ मार भी दिए तो क्या? नहीं मार सकता, नहीं मार सकता तू उसे। अच्छा वो मरे तुझे? भाभी थप्पड़ मारो इसे। हीरो पाटा पागल तो नहीं हो गया तू? भाभी थप्पड़ मारो इसे। पागल हो गया? देख तूने अगर इसका कहना माना ना तलाक दे दूंगा तुझे मैं। हाँ अच्छा तो फिर मैं मारूं? तो फिर मैं मारूं? नहीं नहीं मेरे मजाजी खुदा ना मार, मत मारे। देख सिराज भाई, आज के बाद भाभी पे हाथ नहीं उठाना। और मजाजी खुदा वो नहीं होता जो मारे, मजाजी खुदा तो वो होता है जो तहफ्फुज दे, समझा? अगर आज के बाद तूने भाभी पे हाथ उठाया ना तो इन टांगों पे नहीं चलेगा, बिस्तर पे रहेगा। और बीबी तेरी अच्छी है, बिस्तर पे खाना पीना दे देगी। अस्सलाम वालेकुम, जियो न्यूज के साथ मैं हूँ अली अनीक सैयद। वालेकुम सलाम, जिंदा रहे जिंदा रहे। चलते हैं आज के न्यूज बुलेटिन की तरफ। हाँ हाँ चल चल। स्ट्रीट क्राइम में इजाफा, चोरों ने एटीएम पर धावा बोल दिया। हाय लुटेरो लुटेरो अगले जा, ऐसे बुर्जे पैने ने ना के तानू लग पता जाएगा। हाय गरीब मुल्क च कमा नहीं सकदा ते तुसी लुटी जाओ लुटी जाओ ते जेबां परी जाओ। साथ ही बिजली के नरखों में इजाफा कर दिया गया। हाय तोबा तोबा मरीना, ओ नहीं मरीना, और सारियां बत्तियां बंद कर, आज तो जीरो दे बल्ब जलनगे। और पाक भारत मैच का टाकरा, अल्हम्दुलिल्लाह असी कदे जीते ही नहीं। ओ तू ते अपनी टैटर बंद कर, अपना वेखण दे अनायत जट। ओ ना दस सानू इस घर दे मौसम दा हाल है, इस ने खराब कीता है। कोशिश ना कर, मैनू पता तेन की चाहिए। वेख अपने टीवी ड्रामे मैं यार खबर खत्म हो गई।
मार मार खिच के टंड मार आए, अब क्यों दिया गला सुन मार मार रख के मार एक के हाँ झूठ बोलती पैया मार 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 टंड मार की पुचाल आ गया है की गल आज दादी ते बड़ा लाड आ रहे क्योंकि आप है वर्ड्स क्यूट दादी दादी आपको पता है मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि आप ना मुझसे ज्यादा प्यार करती है मुझसे नहीं इसलिए आप ना उसकी गलत बातें भी नजरअंदाज कर देती है ना ऐ तेनु किन्ने किया है ओ जदों तू पैदा होई से मैं दो नफल शुक्राने दे अदा कीते सन ते जा पर दे पितराने वंडे सन है पूछ भला क्यों क्यों इस वास्ते कि मेरी पहली औलाद दी पहली औलाद यानी मेरी पोती है ओ की कहंदे ने पोती दादी खलोती की पोती पोती जेड़ी दादी नाल खलोती मेरा बच्चा दादी आपको पता है मुझे ना एक बार अम्मी ने बताया कि मैं आपकी गोद में बैठी थी मैंने सुसु कर दिया और आपने मुझे उठा के पटका क्यों एक तो तेरी माँ ना पुवाड़े ही पाई रख दी है तेरी माँ ने तूने ऐ नहीं दसिया कि जदों तू एक दिन दी से ते मैं तेरी छोटी छोटी उंगलियां सोने दी अंगूठी पाई सी क्या बात है वही ते जदों तू 2 साल दी सी ते अपने जले हुए हत्था नाल तेरे वास्ते स्वेटर बुने सी मैं जुबान दी कौड़ी जरूर आ पर दिल दी बिल्ली साफ हां बिल्कुल सही कहा तुझे पता है जब तुम लोग संडे वाले दिन घोड़े बेच के सो रहे होते हो ना दादी मेरे साथ उठ के प्ले स्टेशन खेलती हैं आहो तू भी तो सती सवेरे उठ खलोना वे अच्छा वो दादी वो ना एक्चुअली आपके पांव की मालिश करते हुए मैं छोटी सी वीडियो बनानी थी बना ले अच्छा ते विचों ए गले है वो मेरी सोनी दादी फिर आपको भी टिकटॉक में सुपरस्टार बना देगी यस ऐ तू की टुक टुक लाई हुई है अरे रब्बा की जमाना आ गया वे हैं बच्चे प्यार भी कर देने वो भी अपने मोबाइल दे शोशा आस्ते तो दादी भला हम क्यों ना शोशा मारे हम कौन से कोई डाका डालने की वीडियो बना रहे हैं हम तो सोशल वर्क कर रहे हैं ऐसी वीडियो बनाना तो सदका ही जारिया होता है ना ना जा मैं नहीं बनानी चल प्लीज दादी दादी प्लीज अच्छा ठीक है चलो बात दे पुत्रो ऑनलाइन फैमिली आज मैं आपको दिखाऊंगा हीर जी का एक टोटली नया रूप ये देखें सर पब्ली पीछे करो ये मेरी पर्सनल स्पेस है बेवकूफ जा ये देखें हीर जी किस तरह अपने एल्डर्स की खिदमत करती हैं अब तुमने स्पॉटलाइट में डाल ही दिया है तो अपने व्यूअर्स को बता ही देती हूँ हेलो व्यूअर्स आज मैं आपको दिखाऊंगी मेरा स्टेवे टू हेवन मेरी दादी जान दादी हेलो कहें व्यूअर्स को हेलो बोते लोले पोपे ना लगा तो व्यूअर्स आज मैं आपको अपनी दादी को फुट मसाज करके दिखाऊंगी बल्कि पूरे का पूरा पेडिक्योर करके दिखाऊंगी वो क्या होता है दादी जी पैरों को रगड़ रगड़ के जन्नत कमाना और अपने दिल की मुराद पूरी करना वो जैसे चिराग होते ना जिसे रगड़ रगड़ के जेनी बाहर आ जाता है और आपकी विशेस पूरी करता है ठीक उसी तरह आज मैं अपनी दादी को फुट मसाज देके सवाब कमाऊंगी और अल्लाह ताला से अपने मन की मुराद पाऊंगी वैसे दादी जान आपको मरने से डर तो नहीं लगता फिटे मुंह तेरा है मालिश के बहाने मुझसे मेरी मौत की बातें करने आई है नहीं नहीं मैं तो बस ऐसी बाय द वे पूछ रही थी आपकी 200 साल उम्र हो आपको मेरे भी उम्र लग जाए ओ पुत्र अल्लाह ने एथे सुटा अब उसके पास वापस जाने से क्या डरना हाय मेरी माँ भी इस दुनिया से चली गई मैं कुछ ना कर सकी वो मेरी परजाई वो की नासी और शीदा है वो जवानी में इंतकाल कर गई मैं ना रोक सकी मौत तो बरहक ही है ना है जब मैं इस दुनिया से जाऊंगी तो ना ये तो जट को लग पता जाएगा कदर आएगी मेरी उसको नाजत माय ग्रैंडफादर की बात हो रही है जी हीर जी जब मैं मरूंगी तो तू मुझे मिस करेगी ना दादी
मैं तो रो रो के पागल हो जाऊंगी, बल्कि मेरी ये वाली आंख में अभी भी आंसू आ रहे हैं, देख रही है? ओवर हो रहा है, कंट्रोल कर। पागल तो तू पहले ही है, ये ना मेरे जनाजे पे बैठ के तू ये टिकटॉक बनाने लग जाए। दादी आप भी बहुत क्यूट हैं। तो व्यूवर्स अपने एल्डर्स के साथ मैक्सिमम टाइम स्पेंड करें, उन्हें वैल्यू करना सीखें, क्योंकि क्या पता कल होना। सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो हीर जट, टैलेंट रच के नखरे सच के। कट। बस करते दादी, थक गई हूँ मैं आपको मसाज दे देके। चले हम थोड़े से, मेरी भी मोड़े जुआएं, इतनी दर्द है। मतलब पूरा हो गया? हाँ ना, प्लीज प्लीज प्लीज। हाय, ये वेन कच्ची गई है यहाँ से। चलो तिली, इको डीग जी को साच सब कुछ बता दे। हो याशो। सदके जाऊं जाट जी, वो जो अपने अर्शद साहब नहीं है? हाँ। उन्होंने ना आपके पिछले साल की कटिया कारकर्दगी के ऊपर धुआंधार तकरीर लिखवाई है, और वो भी नाजम के बेटे से। अच्छा, ये किया उन्होंने? और तिली, मुझे क्यों लगता है इन बटों की किस्मत में गंदा होना लिखा है, और अगर किस्मत में गंदा होना लिखा हो ना, तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। क्या कहता है? सदके जाऊं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब मैंने भी सोच लिया है। क्या? आपकी रैली में ना मैंने अपने दोस्त जिमी जादूकर को डीजे के तौर पे बुलाना है। जैसे ही अरशद साहब की तकरीर शुरू होगी, उधर से गाना शुरू हो जाएगा। आए वाह, तिली वाह, लेट मी अलाउ, इस बार मैं कहूँ सदके जाऊं मैं तुम्हारे। ओए क्या दिमाग पाया, क्या प्लानिंग है, और क्या होशियारी है यार तेरी है। जाट साहब, इस बार बजट मैंने ज्यादा लेना है। बकवास ना कर, 20 किलो आटे का थैला चुक और नीवा नीवा होके निकल जा, जा शाबाश। क्या हुआ? असल बात तो मैं आपको बताना ही भूल गया। आटा रख और बात बता। क्या? जट साहब, वो सराज नहीं है, हीरो बट रात को उसके घर में गया है। अच्छा। और उसने सराज की वो ठुकाई की है, दादे वसूल कर रहा है हीरो बट। फिर जट साहब, इसे कहते हैं नाजरीन की तवज्जो हासिल करना। मुखालफीन आपका वोट तोड़ने में पुरजोश हैं, और जट साहब कुछ करें और कुछ सोचें, आग लग गई आपकी पग को। कारोबारों को फूकना और दुकानों को चूल्हे में सुटना है, और पैसे को कूड़े में फेंकना। बात से करो, बात तो बता, बात क्या है? इतना पैसा होने के बावजूद बंदे की वाह वाह ना हो तो क्या फायदा? इतनी सी बात के लिए तूने मेरी पगे रोल दी है, मेरे कारोबार को चूल्हे में डाल दिया, मेरे बिजनेस को आग लगा दिया, इतनी सी बात? निकलो। अच्छा जी, जा रहा हूँ। हीरो बट, तेरा कुछ करना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगी ये गेम। तू में छतरी, रेनिंग थोड़ी हो रही है बबली। ओ हीर, रेनिंग में ना गरीब लोग खुद के लिए छतरी पकड़ते हैं, ये क्लास है क्लास, इसमें कोई दूसरा आपके लिए छतरी पकड़ता है? और वैसे भी इस छतरी से मैंने ऐसा टशन डालना ना, 10,000 रुपया तो एक्स्ट्रा निकलवा के रहूंगा इनका। लेकिन तू मेरा यंगर ब्रदर है ना, तू मेरा छाता पकड़े मुझे अच्छा नहीं लगता। और फिर आज तो वैसे मेरी एनर्जी इतनी लो थी, ये तेरी मोटिवेशन ना होती मैं कभी इस इवेंट पे ना आती। चल फिर, अपनी मेन कैरेक्टर एनर्जी निकाल के रख। यस, 1, 2, 3। एंजल, अगर इसने आज कोई पुआड़ा डाला ना, इसको मैंने ब्लॉगर्स के सामने ही चांबा लगा देना। चेक तो करो जरा, क्या बड़ी गाड़ी लेके आई है भाड़े पे। आज तो कंफर्म हो गया, हीर जट नंबर 1 और ये ना नंबर 3 की टिकटॉकर है। तो 2 कौन है? लड़कियों को नंबर 2 कहना अच्छा नहीं ना लगता। चल स्माइल थोड़ी कम रख, स्टार जो है ना जरा कमीनगी वाली स्माइल देते हैं। चेक कर जरा, इतनी ठीक है? यस, परफेक्ट। चाहे मेरी फैशन स्ट्रीक्स हो या मेरा पॉइंटेड कैट आईलाइन, टिकटॉक पे तो दोनों ही ट्रेंडिंग पे हैं। लेकिन आज से मेरी प्रायोरिटी सिर्फ गुल सैलून एंड स्पा है।
और ये जो बाहर पोस्टर लगा है इतना बड़ा सा, वो भी मेरा है। स्टार टीचर बनने लेता है। वैसे मेरा पोस्टर क्यों नहीं लगा? तूने सीक्रेट जो रखा है घर वालों से, परमिशन नहीं है ना? हाँ भाई क्यों नहीं लगा? जिस जगह पे हमें फुटेज ना मिले वहाँ पाँव तक नहीं धुलवाते। वी आर लीविंग। यस। नहीं रुके प्लीज, पोस्टर नहीं लगा बाहर तो क्या हुआ? पीता तो हम ही जी से ही कटवाएंगे, आप बस एक शाउट आउट रिकॉर्ड करवा दें। नहीं 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 नहीं, चलो भाई 20,000 रुपया पकड़ा, कर ही लेते हैं। चले साइड पे हटे। हेलो व्यूअर्स, पहले तो मैं आप सबको इस सैलून की ओपनिंग पे मुबारकबाद पेश करना चाहूंगी। साथ ही आज मुझे एक बहुत स्पेशल अनाउंसमेंट करनी है। मेरी कंपेटिटर एंजल खान 420, हम दोनों के फड्डों से पूरी ऑडियंस नक्को नक आई हुई है, इसलिए मैं हीट जट 526 के फॉलोअर्स वाली एंजल खान 420 को पब्लिकली माफ करती हूं। एक्सक्यूज मी, अब मेरे इतने बुरे दिन आ गए कि तुम मुझे माफ करोगी? ओ, अपनी ये झाड़ों वाली स्टूपिड सी ग्लासेस लगा के समझती क्या अपने आप को? तुम्हारा कैलिबर भी है कि तुम मुझसे बात तक करो? ओए, क्या कैलिबर कैलिबर लगा रखा है? तुम्हारी हिम्मत किस हुई बबली चटकी बहन से इस तरह बात करने की? अरे ओ मैं बस कर। देखिए सिस्टर, ज्यादा ना तू तड़ा करने की जरूरत नहीं है। अब इतने लाइक्स, फॉलोअर्स, वायरल स्टार बन के हमने इवेंचुअली जाना कहाँ है? ग्रेवयार्ड में ना। इसलिए प्लीज इन छोटी छोटी बातों को माइंड में रख के ना अपना माइंड पोल्यूट ना करें। लड़ाई लड़ाई माफ करो, अल्लाह का घर साफ करो। क्यों व्यूअर्स? भाई थंडर्स क्लैप हो जाओ इनकी इतनी इंटेलिजेंस पे। मिस हीर, गोल्डन गर्ल हीर चाइल्ड, व्हाटएवर, बस करो अपनी फेकपन की रेडी। तुम बस करो कामों की करीना। यू जस्ट स्टॉप। पकड़ो पकड़ो अपना माइक। मेरा लगा है तो फीता भी मैं ही काटू। फीता मैं नहीं चलना, पक्का फ्लॉप पे ओपनिंग की कटिया। चल चल तालियां। यार ये स्टार पे रखी हुई गीटी ना नहीं मरती। फिर खप के बंद हो। ये ले, ये देखें। आपकी गोटी स्टॉप पे नहीं थी, थोड़ी सी पीछे थी। पता नहीं कनाडा में कौन सी लूडो खेलता है ये स्टॉप पे गीटी मार रहा है। एक और छक्का आ गया ना तो आपकी गेम खलास। ये चुको। एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन पाँच चार छः, एक दो तीन चार पाँच छः, और मैं जीत गया। अस्सलाम वालेकुम। लूडो खेली जा रही है भाई, वाह। हियर माय लकी चार्म। पता है जब भी तुम आसपास हवाओं में होती हो ना तो मेरा लक और भी बढ़ जाता है। पता है ये हवाओं में क्यों उड़ रहा है? क्यों? दूसरी दफा मुझे लूडो में हरा चुका है। ओ वैसे जैन कल क्या कर रहे हो? नथिंग स्पेशल। मैं सोच रहा हूँ कि कल तुम्हें दाता साहब की हाजिरी करवा देते हैं। गुड आइडिया। वैसे कल डेट क्या है? 7th। यानी मेरी सालगिरह है कल। कल सालगिरह भी बनाएंगे और एक्स्ट्रा ब्लेसिंग्स भी मिल जाएंगी। सच में? यस। ओए पुत्र तेरा बर्थडे वे सदके तुम धाम नाल मनावांगे तेरा बर्थडे है ना मेरा? हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ सारिया ग्रेनेडा बंदूकां ते पटाके बाहर काट लावांगे फुल धूम धाम नाल। हैं ते होर की? वैसे पता है कभी देसी माहौल में मैंने अपनी सालगिरह तो नहीं बनाई, लेकिन ख्वाहिश जरूर है कि एक लैविश किस्म की बर्थडे हो मेरी। हाँ वैसे भाभी जंजालपुरे में पता लगना चाहिए कि जट्टों के यहाँ कोई फॉरेनर आया है और उसकी सालगिरह मनाई जा रही है। बबली लेट्स मेक अ टू डू लिस्ट। ओह ब्रो लीव दैट ऑन मी, वो सारा इंतजाम हम कर लेंगे। ऑलराइट ओके। अब महीर तू ना केक का ऑर्डर कर दे। बबली और जो तू तुम्हें खाने आ छुपके चॉकलेट वाला की ना कल जंगल ब्लैक फॉरेस्ट। हाँ वो अलग केक भी ऑर्डर कर दे। और जो इनविटेशन होगी ना वो हम व्हाट्सएप के जरिए भेजेंगे सबको, और उसका टाइटल होगा द स्टार हैज बॉर्न। इको स्टार जंप प्याजे अथे। और क्यों है? और तुझे मैंने कहा था एकेडमी जाने को, तूने जाके उधर मालक कोई तरी लगा दी है। उसने खुद ये बात आपको अपने मुंह से बताई है। पता लगा है मुझे बल्लो। लगने से क्या फर्क पड़ता है अब्बू हुजूर, बात तो वो होती है जो फैक्ट पे हो। और लगने से ही तो होता है, बचपन में लगाई होती तो ये हाल ना होता, जगह जगह मेरी नाक ना कटवाता तू।
बस भी कर दियो भट्ट साहब, आपकी नाके रस्ते में पड़ी हुई है कि आते जाते मसली जाती है। ओए पटनिए, तुझे नहीं पता, तुझे नहीं पता, ये तेरा जो पुत्र है ना, इसके अंदर जमाने की तीन सबसे बड़ी बुराइयां हैं। हैं? वो कौन सी बताएं तुझे? पहली ये है कि तू राज के हड हराम है। ना 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 ना, ना भट्ट साहब, हड हराम बिल्कुल नहीं मेरे पुत्र। कल रात इसने मेरे साथ भांडे धोए थे है ना जी, वो भी ठंडे पानी से। दूसरी बताए मेरी बुराई। दूसरी ये पुत्र के तुम फंटड़ है, लड़ाका है, हर जगह पे लड़ाइयां करता है, मेरा नाम बदनाम करता है। ना तो बचपन में जब ये रेसलिंग देखता था और मैं आपको कहती थी कि इसको बिल्ली चूहे वाले कार्टून दिखाएं, तो आप कहते थे कि ना रोक, मेरा पुत्र बड़ा होके अंडरटेकर बनेगा। अब जो सीना तान रहा है तो आप आगे से यही करते है। ओए खुदा को मान, ओए पसली ना तुरवा लें अपनी, सीधा हो जा। तीसरी तो बताएं। ऐसे ही बता दूं? हाँ। सीधा होएगा तो बताऊंगा। ओए ये बता, ओए हमारा खानदानी है खारा, ओए उसके अंदर तूने जिम भी खड़ा कर लिया। ना तो इसमें बुराई क्या है, जिम बनाया तो चलो चंगा ही किया ना। वो तो जिम करे ना, खुद करे तो जम जम करे जिम में जिम, खुद तो करता नहीं है। इसके लफंत्र यार आते हैं, सारी दिहाड़ी पन के चले जाते हैं। इसका पिंडा है कोई जिम करने वाला? पिंडे से क्या फर्क पड़ता है बाजूर, आपको पता है? दो हफ्ते पहले मेरी पांच लड़कों के साथ डूंगे बाजार में मुंह मारी हो गई, पांच मिनट बाद मुंह मारी लड़ाई में बदल गई। मम्मी मेरे पांच बंदों को केले कुटा, मेरा ना बाल भी मांका नहीं बचे। तकली आई आपके हीरो बाट को। आए मैं सदके जाऊ मेरा पुत्र। माए जदके मेरा पुत्र, माए जदके मेरा पुत्र। अगले हफ्ते ना तूने 10 के साथ लड़ाई करनी, उससे अगले हफ्ते तूने 15 के साथ लड़ाई करनी है। ऐसे तेरी माँ ने सदके बारी जाना है तेरे। हाँ तो मेरी अम्मी हजूर कहेंगी तो मैं 30 के साथ बिठ जाऊंगा। तेरा शेर बुबर, हया कर, ओए कोई शर्म को मुंह मार। अब बाप के लिए क्या कर रहा है, ओए इलेक्शन सर पे है, ओए होश कर। कौन होश करे, मैं? आपको क्या लगता है जब इलेक्शन आ रहे थे आप अकेले आ रहे थे, हम भी आ रहे थे। अगर आज भी आप उस हार के साथ जी रहे हैं तो आपका तोड़ा हुआ टीवी हमें भी वो बात भूलने नहीं देता। पता है आपको, जिस दिन आप इलेक्शन हारे थे अगले दिन मैं कॉलेज गया था तो सबने मेरे ऊपर आवाजें कसी थी कि क्यों हीरो वो की बने, वो सुने हैं तेरा अब्बा 170 वोटा तू हार गया। हमने भी तो बर्दाश्त किया था ना, आप अकेले नहीं आ रहे थे, हीरो भट्ट भी आपके साथ आ रहा था। और जहां तक बात कुछ करने की है तो इलेक्शन में सिर्फ थोड़े ही दिन रह गए हैं, नतीजा देख लेंगे, इस बार आप ही जीतेंगे। ले भी बटनी है तो जब बड़ी बड़ी मुबारक हो, कायनात का सबसे रंगबाज बच्चा पैदा किया है तूने। तौबा मेरी तौबा भाई, मैंने इस तरह का चूठान सांड नहीं देखा। इतना छड्डू, पिछले इलेक्शन पे भी मुझे कहते अब्बा जी कल का इलेक्शन आपने ही जीतना है, बड़ियानी की देख देंगे। तो फिर चिट्टे छोलियां दी देख वंडी सी अखीर। ओ पाइन गफूर, मुझे तो आज तक समझ नहीं आई, आपको समझ आई है? ओए निक्के की आज तक तरक्की क्यों नहीं हुई, इसकी उम्र के डीआईजी रिटायर हो गए, ये उधर का उधर ही है। ओ पाइन, मैं खुद नहीं तरक्की चाहता, समझा करे। क्या हूं जी? वो इधर फिटिंग है वो, हां समझा करे। वाओ, ओए जिन्ने टाके बम चलाए। वेलकम वेलकम दादाजी। ओए बर्थडे मुंडा जेड़ा ना वो आ गया। हां जी, तैनू एक क्लैप तो देओ ना यार। उधर आ जा, आ जा, आला देख केक तैयार। वाओ दादाजी क्या बात है, लुक एट दिस, वाओ लुक एट द बलून्स, द लाइट्स, द माहौल, द पीपल। Thank you everyone for coming and making my day even more special. Ab to main ek hi baat karunga. Let the party start! Yeah! Yeah! Party start! Aaj wah! Kaachi! Ek minute. Pehle na wish kar le. Ha. Good point dadi ji. Wish. Bhul gaya. Aa gaya, aa gaya. I got it. चल। ओए। एटिकेट्स भी कोई चीज होते हैं।
गेस्ट लिस्ट पूरी होने से पहले केक काट रहे हो, यू स्टूपिड। एक मिनट है, इसको किसने बुलाया यहां? पाए ना? ना ना निके, ना मेरी तरफ शक की निगाह से नहीं देखना। और मैं तो ये गुनाह काबे भी नहीं कर सकता। और मुखालिफ के पुत्र को मैं बुलाऊंगा? अब्बा जी मैंने पागल समझिया तुसी, लेकिन हुन आ गए आए थे मेहमान है, रिलैक्स करो। हाँ ओए रुकनी बुला। चाचू जी जड़ी मर्जी कसम चुका लो, मैं इस जैसे को कभी ना अपनी गेस्ट लिस्ट में डालूं। और केक के छोटे से पीस का भूखा नहीं है हीरो भट्ट। किसी के पुरजोर इसरार पे शदीद जिद पे बल्कि मिन्नतें की हैं उसने तो आया हूँ मैं। कौन है ये पागल है? पता नहीं यार। और सुने खाली हाथ नहीं आया? ओए इस पुस्की बाप का तो मैं सब देख रही, क्या करी खर्चे की हैं। I love it. Ladies and gentlemen, surprise, surprise! इसको मैंने बुलाया है। Come on, guys. He's my first Pakistani friend. Hero Bhatt, my gym buddy. तालियां तो जाए, तालियां. Come on, guys. बताया क्यों नहीं उन्हें? क्यों डील करा रहा है? गिफ्ट पकड़। Thanks, Paul. Thank you. जैन पुत्र आ गए, केक कट ले। अच्छा मेरा बेटा हीरो तू भी आ जा। ख्याल सी तेरी अम्मी का। आपकी बचपन की कहानियां सुनाती रहती है। Hip hip! Hooray! Hip hip! Hooray! Hip hip! Oh, hooray! Woo! Some cake time! Ladies and gentlemen, please come closer. Nede nede aajayen. Okay, so maine faisla kiya hai ki jitne bhi gifts hain, aaj main sabke samne kholunga. Because I believe ki gift chota ho ya bada, it's the thought that counts, right? So, इसीलिए ये एक्सिबिशन आज मैं सबके सामने करूंगा। और सबसे पहला गिफ्ट मैं अपने जिगर, अपने जिम बड़ी हीरो भट्ट का खोलूंगा। तालियां। Here we go. लवे निकेश लाला, गिफ्ट के वजन से लग रहा है गिफ्ट हल्का भी है और कटिया भी। करेक्ट, चीता रैपर लाल रंग का फुल शर्ट की तरह घटिया। क्या पैक किया था? जो आपने कहा था वही पैक किया हीरो भाई। अब रीफों के सामने बिस्ती थोड़ी करानी है। Like jalebi